सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एसी जी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा। क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बन के बारे में इसमें हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। अच्छे से बेसिक लेवल से पहले हम जानेंगे कि भी कार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन कवर करूंगा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम मतलब कैसे इनकी फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं बेटा। पहला जो है वो होता है एल्केन, ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है एल्कीन, और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है एल्काइन, ठीक है। आप इनके सफिक्स जो पीछे दे रखा है वो आप इनको समझिए क्या दे रखा है बेटा, कि एन, ठीक है, एन, और इसमें क्या दे रखा है इन, और इसमें क्या दे रखा है बेटा आइन, आइन। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो 11th की और 12th क्लास की जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो एल्केन है, एल्केन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर क्या होता है बेटा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, क्लियर है। उसका एल्केन के अंदर जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n प्लस में 2। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें देखो दो हाइड्रो मतलब दो इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर दो कम हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर दो माइनस करूंगा, रटने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, याद करने का तरीका, तो दो कम करोगे तो दो ये हट जाएगा ना, है ना। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, CnH2n। ये बात आपको क्लियर हुई बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर आप आयन की बात करेंगे तो इसमें से दो और कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा CnH2n माइनस का 2। क्लियर हुई ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा, जो N है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वाली बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, आज हम जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो पढ़ेंगे एल्केन, ठीक है। तो एल्केन को वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या था बेटा, CnH2n प्लस में 2। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा, नगमा इधर देखिए आप, ठीक है। तो अगर मैं एन बराबर में 1 रखता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या बन के आएगा वो देखेंगे। अगर इस फॉर्मूले से एल्केन की बात चल रही है तो अगर मैं एन बराबर में 1 रखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा और उसका नाम क्या होगा, आ रही है बात समझ में? चलिए, तो C1H2 इंटू में 1 प्लस में 2, जहां जहां एन था मैंने वहां वहां क्या रख दिया, 1 रख दिया बेटा। कोमल, आपको समझ में आया ये बात अच्छे से, ठीक है। तो C1H2 इंटू में 1 प्लस में 2 कुछ नहीं है, बराबर में 0 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 को तो हम C लिख लेंगे, 2 बन जाए 2, और प्लस में 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। चलो CH4 बन गया, जानते हैं हम इसका नाम मिथेन होता है, कैसे होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप ये जानो कि भाई जो कार्बन है, क्या है कार्बन जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो जो कार्बन होता है बेटा उसके जो बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा कितने होते हैं, 4। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन और आया और इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेके आ गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। एक इलेक्ट्रॉन और आया हाइड्रोजन का, उसने भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। एक और आया, उसने भी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। अब ये जो है ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है CH4 का, क्या है स्ट्रक्चर है, और हमारे पास CH4 बन गया। तो ये क्या अब स्टेबल हो गया। स्टेबल का मतलब क्या होता है, लेट से मैंने कहा कि कोई बच्चा है उसको भाई उसके पास 10 रोटियां हैं, ठीक है। अब 10 रोटियां हैं और उसको भूख सिर्फ और सिर्फ 5 की है। अब कोई बगल में एक बच्चा और है, उसके पास क्या नाम है, कोई एक भी रोटी नहीं है लेकिन वो 5 रोटी खा सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहला वाला बच्चा दूसरे वाले बच्चे को 5 रोटी दे देगा, ठीक है, तो दोनों का पेट भर जाएगा। तो स्टेबिलिटी आ गई, आ गई। तो यहां पर जो कार्बन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे आउटर मोस्ट शेल में,
नाइन्थ में पढ़ा था हमने, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसके अब देखो गिनते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की एक ही शेल है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन की जो पहली शेल होती है बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली, क्या नाम है, बोर अंकल जी ने क्या बताया था बेटा, बोर ने यह बताया था के में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, के एल एम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, तो उसके में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयरिंग से कर लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन भी खुश, ये वाला भी हाइड्रोजन खुश, ये भी खुश और ये भी खुश, तो चारों हाइड्रोजन खुश हो गए और कार्बन भी खुश हो गया। तो क्या हो गया, ये जो कंपाउंड बना है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। आ गई बात समझ में। अब देखो एल्केन के द्वारा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया और हमने क्या बना लिया, CH4 बना लिया, ठीक है। अब देखो नेमिंग किस तरह से करेंगे वो समझिए आप, कैसे जानोगे कि भाई इसका नाम मीथेन है, कैसे जाना आपने कि इसका नाम मीथेन है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप यहां पर लिख लो कि 1 कार्बन पे जो होता है बेटा मैथ यूज करेंगे, अगर एक कार्बन है हमारे कंपाउंड में तो उसका नाम होगा मैथ, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा बेटा एथ, 3 कार्बन होगा उसका नाम होगा बेटा प्रॉप, 4 कार्बन होगा बेटा उसका नाम होगा ब्यूट, और 5 कार्बन होगा बेटा उसका नाम होगा पेंट, और 6 कार्बन होगा बेटा उसका नाम होगा हैग्स, और 7 कार्बन होगा बेटा उसका नाम होगा हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो बेटा ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो 9 कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक, ठीक है। इस तरह से क्या है हमारी नेमिंग होगी। अब देखो मैथ, एक कार्बन आ रहा है हमारे इस कंपाउंड में, एक कार्बन है सिर्फ, तो एक कार्बन पे क्या होगा मैथ, तो इसका नाम लिख दिया मैंने, इसको भी रफ कर रहा हूं, मैथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये किस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, तो ये हुआ है CnH2n प्लस में 2, और इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे बेटा एन, तो मैथ के बाद क्या लग जाएगा एन, तो ये हो गया मीथेन। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गई हर बच्चों, सनी अर्षा आयरा बाकी इधर सारे बच्चों को, ठीक है, पीछे तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई, चलिए बेटा तो ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम क्या करते हैं, n बराबर में 1 रखा हमने, अब n बराबर में हम रखते हैं 2, तो n बराबर में 2 रखेंगे आप, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा C2H2 इंटू में 2, जहां n है बस 2 रखना है, बाकी सेम चीज चल रही है, तो ये हो जाएगा बेटा C2 2 × 4 और 2 कितने हो गए 6, तो C2H6, ये वाली बात क्लियर हुई। तो इसका अगर मैं नाम रखना चाहूंगा तो क्या रखूंगा, 2 कार्बन पर क्या होता है बेटा एथ, और किस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है बेटा ये आपका एन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों इथेन, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, तो देखो बेटा इथेन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्मूला क्या था इथेन का, अभी हमने ड्राइव किया है C2H6, तो देखो ये 2 कार्बन है, अच्छा जो एल्केन होते हैं वो होते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हिंदी में बोलते हैं, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन है ना उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है बेटा सिंगल बॉन्ड आता है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्लियर हुई। अब हाइड्रोजन 6 है तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, 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 ये वाली बात क्लियर हुई बेटा अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखो क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जो है इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा बनाएंगे, 2 कार्बन है तो ये लिया मैंने कार्बन, और कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ये इसकी बात हो गई। फिर हमने ले लिया दूसरा कार्बन, और दूसरा कार्बन जो है इसके साथ क्या है बॉन्ड बना रहा है, तो ये बना दिया हमने, और इस वाले कार्बन के भाई एक बात हो, इसके साथ ना इंसाफी थोड़ी ना करोगे, इसके 4 बनाए तो इसके भी तो 4 बनाने पड़ेंगे ना, क्लियर हुई वाली बात। अब देखो एक एक जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, इधर भी आएगा भाई हाइड्रोजन, इधर भी आएगा हाइड्रोजन, इधर भी आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन,
अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, पहले ये जो बीच वाला है ना इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 हो गए, खुश हो गया ये वाला कार्बन। अब इसके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये वाला भी कार्बन खुश हो गया। बाकी हाइड्रोजन के पास सबके पास दो दो हैं, तो ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है किसके नाम से, करता है इथेन के नाम से। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथेन हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एल्कीन और बहुत अच्छे से इसके सारे कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने दो कंपाउंड बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों को यहां तक 10 तक बनाने हैं। ठीक है, और जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं समझ में आया है तो जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।